अगर कुछ देर हम अगर आउट लेट कर देते तो ये मर जाता धूप के वजह से। नमस्कार फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवनीत अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे देख सकते हैं हम एम्स फुलवारी एम्स आ चुके हैं रेस्क्यू के लिए। यहां भैया बता रहे कि एक जाल में एक सांप फंसा हुआ है। आई जगह कौन सा है आपको भाई, जाके हम आप देखते हैं अभी कौन सा सांप है। भैया कहाँ, एड्रेस क्या है? बाजी गोविंदपुर फुलवारी एम्स के पास ना। जी सांप कैसे फंस गया? जाल लगाते हैं हम लोग सेफ्टी के लिए, उसी में जो है फंसा हुआ है। हमने इनको बुलाया, आए हैं घर पर। चलिए आइए, हम आपको सांप दिखाते हैं। ये लोग घर में बार बार सांप निकल जा रहे थे। कोई इन लोग को बताया कि जाल आप लोग लगा देते हैं तो सांप उसमें फंस जाएगा। हाँ, जाल लगा दिए उसमें तो सांप फंस गया है। ठीक है, आइए आपको दिखाते ना। आप लोग इधर रहिए, हम दो आदमी हैं। ओहो, पूरे जाल में बुरी तरह से, बाहर जाल में ही बुरी तरह से नाग सांप है। नाग है जिसे हम लोग स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से फंसा हुआ सांप। कैसे देऊं कल्ले वाला? आंधे वाला कपड़ा सो बेटा, कपड़ा सो। अरे डर मत रे बुआ, तो आंधे वाला कपड़ा सो हूं वाला कल्ले सो मान। दूसरा साथी कुछ दीजिए काटने के लिए। कैसे देऊं कल्ले वाला? हो देऊं टांगा काटे वाला कैसे? जैसे देख सकते हैं सांप जाल में फंस गया। लोग अपना सेफ्टी के लिए जाल लगा दिया था क्योंकि बगल में घर है, बार बार घर में सांप निकल जा रहा था। कोई आदमी इनको बताया कि जाल अगर लगा देते जाल में सांप फंस जाएगा। जब सांप जाल में फंस गया तो हमको कॉल करके बुलाया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, सांप जाल में फंस गया। हम लोग बिना देरी किए हुए जल्दी से जल्दी आने का कोशिश किए क्योंकि थोड़ा सा मुझे फीवर था सुबह में, और आने में देख रहे हैं बोलने में भी कठिनाई हो रही है। लेकिन सांप जाल में फंसा हुआ था, कोई जीव फंसा हुआ था। भैया लोग का भी कोशिश था कि किसी तरह इसका जान बच जाए। इन लोग का भी मनसा ऐसा नहीं था कि ये मारा जाए, इन लोग का भी मन था, यहाँ जितना भी आदमी सबका मन था कि सांप का जान बचाया जाए। तो हम लोग आए और इसको फिर रेस्क्यू कर रहे हैं। देखिए जैसा लग रहा है।
इसे इसको हम लोग नाग सांप के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ बिहार में हम लोग इसको गेहूमन बोलते हैं। ये नाग सांप है, इंग्लिश में इसको कोबरा 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 सुनते होंगे, यही सांप को कोबरा कोबरा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये सांप किसी को अगर काटता है तो समय बहुत कम रहता है। ये सांप काटने के बाद तेजी से आदमी मरता है। सांप काटने के बाद समय आपको नहीं देगा। आपको सांप काट लिया तो समझ लीजिए आपके पास समय बहुत से बहुत एक घंटा आपके पास समय रह गया। एक घंटा में आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपका जान बच गया, और एक घंटा से ज्यादा लेट कर दिए तो आपका जान बचना मुश्किल। जीवा निकलता हुआ बेटवा निकाली थली तो हम डरे रोवी थली। एको बोतल में पानी दीजिएगा, धूप में था पानी ला के बोतल में पानी इसके लिए। देख रहे पूरी तरह से फंसा हुआ है, पानी कुछ देख के लगे ना जल जाएगा। अरे लाइकन चुप यही सब पानी मानते थे तुझ मोबाइल ले नीमन पानी लगा दू बहुत बुरी तरह से फंस जाए। अगर कुछ देर हम अगर और लेट कर देते तो ये मर जाता धूप के वजह से, ठीक है। हमने दो हिला छपटा दी कि मर जैसे कर से बेकार माया न लगे। बोतल में दो ना पनीर एगो सबको बोतल ना दिया ला के पिया उपलब्ध साहब का जान बच गया। काफी चोट देखिए 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 गुस्से में देखिए चलिए पानी दीजिए तो थोड़ा सा अल्लाह जब जब पानी लहे ना गए कटोरी में कटोरी में देहु ना कटोरी में देहु ना टेबल ना ना बड़ा बोतल में दे पी लेता पी रहा है पानी। हाँ आपके ऊपर निर्मल देखिए पी रहा पानी आओ पनिया अब हो गई पानी। ऐसा साहब कभी किसी को भी काटता है तो आप लोग हॉस्पिटल का सारे तंत्र मंत्र झाड़ फूक में जाइएगा तो मरना तय है। ऐसा साहब किसी को कहीं भी काटता है तो आप लोग तुरंत हॉस्पिटल जाइए, जहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचिए, आप लोग का जान 100% बचेगा। ऐसा नहीं कि लोग कहता है कि झाड़फूक पुराना सब में बहुत आदमी का मन में चल रहा होगा कि झाड़फूक में ठीक हो जाता है। ढोड़िया काट लेगा ठीक हो जाइएगा, धामन सांप काट लेगा ठीक हो जाएगा, साखर काट लीजिए ठीक है, लेकिन ई सांप करैत सांप काटता है तो आपका जान देखते हुए बता सकता है। एंटी वेनम देखिए छोड़ दिलू कहे टेंशन ना लो, हम इतना नजदीक इसका बैठे हुए तो हमको नहीं काटेगा ये है। इधर थोड़ा सा आँख में भी इस साइड आँख में भी थोड़ा सा चोट लगा, इधर ठीक है देख सकते हो, इधर दिखाओ आँख में थोड़ा सा चोट लगा हुआ देख रहे हो, चोट लगा हुआ है ना, इधर का ठीक है सब। सपा साहब का फोटो खींच लेलक उनका फोटो एकदम खींच लिया
वीडियो कॉल से देख मैंने ना छोड़िया मैं ना से छोड़ा मैं उनका दादी बैग दो फोटो खींच लेना फिर का भी फोटो वो छोड़ा हूँ काहे ना छोड़ा हम इसके नजदीक इतना नजदीक है तो मेरे लिए खतरा नहीं है मेरे लिए भी तो खतरा है हम जाने कहीं नहीं जाएगा वो खुद परेशान है बेचारा क्या करेगा चल इसको हम बंद कर लेते हैं ओ चल ही तना यो जैसे कि देख सकते हैं एम्स फुलवारी शरीफ से चाल से छुड़ा के हम एक रेस्क्यू करके सांप लाए हैं स्पेक्टिकल कोबरा वहाँ जहाँ इसको हम उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करते हैं उसके अनुकूलित बात रिलीज कर दिए ये अपने अनुकूलित वातावरण में जाते हुए जाने दीजिए उसको जाने दीजिए इधर भी नहीं जो मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें अथवा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जागरूकता हो कि जीव का जान बचाना है कोई बेजुबान को कोई मारे ना या बेजुबान कहीं दिखाई दे तो आप लोग कॉल करें कोई भी जो भी रेस्क्यूअर आपके आजू बाजू में उनको कॉल करके बुला के उसको रेस्क्यू करवा दें चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे।